हेलो फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2019 ये वो खौफनाक दिन था जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। एक ऐसा दिन जिसने पूरी दुनिया के तौर तरीके को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया और 3 सालों के बाद भी इसका असर हमारे रोजमर्रा की जीवन पे दिखाई देता है और कहीं ना कहीं आज भी लोग उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की आहट सुनते ही टेंशन में आ जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर टेंशन के पीछे का असली कारण। December 31, 2019 साल का आखिरी दिन, जहां पूरी दुनिया आने वाले नए साल की तैयारियों में जुटी हुई थी, वहीं पे चाइना के वुहान शहर में एक वायरस भी इस दुनिया में आने की तैयारी में जुटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये वही दिन है जहां पे चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज WHO को एक अलर्ट जारी करते हैं कि उनके वुहान शहर में सेवरल केसेस ऑफ अनयूजुअल न्यूमोनिया डिटेक्ट किए गए हैं। एक दिन बाद यानी 1 जनवरी 2020 इस दिन चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ये आइडेंटिफाई कर लेती है कि जितने भी वुहान सिटी के अंदर निमोनिया के केसेस देखने को मिले हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एक नई वायरस और ये वायरस कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करती है। और इसके साथ चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज ने इस वायरस की सोर्स ऑफ ओरिजिन का भी पता कर लिया और वो ओरिजिन थी वुहान सिटी की हेनान सी फूड होलसेल मार्केट। जिसके बाद चाइनीज अथॉरिटीज ने हेनान सी फूड मार्केट को कम्प्लीटली शट डाउन करने का डिसीजन लिया, लेकिन ये डिसीजन लेने में चाइनीज गवर्नमेंट काफी देर कर चुकी थी क्योंकि इतने दिनों में ये वायरस काफी लोगों तक फैल चुका था। ठीक 7 दिन के बाद WHO ने भी इस वायरस की कंफर्मेशन की और एक नया नाम इस वायरस के लिए सजेस्ट किया गया, दैट इज नोबेल कोरोना वायरस, इन शॉर्ट NCOV। और इस वायरस से होने वाली डिजीज को नाम दिया गया COVID-19। इस वायरस के नामकरण करने के ठीक 2 दिन बाद यानी 9 जनवरी 2020 को इस वायरस से होने वाली डेथ पहली बार रिपोर्ट करी जाती है वुहान शहर में, जहां 61 साल के एक इंसान की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे ये वायरस काफी ज्यादा फैलने लगता है और 13 जनवरी 2020 को चाइना के बाहर पहली केस रिपोर्ट करी जाती है थाईलैंड में। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये वायरस एक इंसान से इंसान में फैलती है या नहीं, दैट मीन्स ये वायरस जेनेटिक है या नहीं। लेकिन 20 जनवरी 2020 को WHO पहली बार यह कंफर्म करता है कि ये वायरस एक ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। और इस चीज के कंफर्मेशन होने के ठीक 10 दिन के बाद WHO डिक्लेयर करती है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। डिक्लेयरिंग अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर द ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। और दोस्तों, यही वो दिन था जिस दिन भारत के अंदर भी कोरोना का पहला केस डिटेक्ट किया गया था केरला में। और ये केस डिटेक्ट किया गया था एक 20 साल की मेडिकल स्टूडेंट जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, जो अभी रिसेंटली इंडिया विजिट की थी। और 10 मार्च 2020 ये वो दिन था जिस दिन भारत के अंदर पहली कोविड रिलेटेड डेथ रिपोर्ट करी जाती है कर्नाटका राज्य में, जहां पे सऊदी अरेबिया से लौटे हुए 76 साल के उम्र के एक इंसान की मौत हो जाती है। और इन 3 सालों के दौरान पूरी दुनिया भर में अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ कन्फर्म्ड कोरोना केस रिपोर्ट करे गए हैं, जिसमें 6.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी तक अप्रोक्सीमेटली 4.4 करोड़ केसेस कोरोना के रजिस्टर किए गए हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 5.3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो डेटा है वो रिपोर्टेड केसेस के डेटा है, एक्चुअल फिगर इनसे कहीं ज्यादा होगा। कोरोना वायरस का लोगों के जीवन में वापस आ जाना उनके लिए एक टेंशन का कारण बन गया है, जिसकी वजह से लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं। लेकिन लोगों का पैनिक में आ जाने की असली वजह कोरोना वायरस नहीं है, जबकि कोरोना वायरस के बारे में उनकी लिमिटेड अवेयरनेस है। देखिए, वायरस के अंदर म्यूटेशन होना काफी आम बात है, तो आइए समझते हैं पहले म्यूटेशन होता क्या है। जब कभी भी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल लाइक DNA और RNA के अंदर रेप्लिकेशन के दौरान कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो इसे हम म्यूटेशन बोलते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे पता है कि म्यूटेशन काफी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए समझते हैं इसे एक आसान से एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि किसी भी नई स्पीसीज को इस दुनिया में लेकर के आना है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक सेल की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेल थियरी एक नई सेल एक हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव हो सकती है। आइए इसे एक ह्यूमन के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एक मेल एंड फीमेल को एक बेबी बॉर्न करना है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी इन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल का जो सीमेन होगा वो फीमेल के एग के साथ फर्टिलाइज होकर एक नई सेल को जन्म देगा, और इस नई सेल के अंदर जो DNA प्रेजेंट होंगे वो एग्जैक्टली मैच कर रहे होंगे अपने प्री एग्जिस्टिंग फर्टिलाइज्ड सेल से, क्योंकि उसी फर्टिलाइज्ड सेल के DNA को रेप्लिकेट करके ये नया सेल इस दुनिया में आया है। और कभी कभी इस रेप्लिकेशन के दौरान एग्जैक्ट कॉपी ऑफ DNA नहीं हो पाती है, मतलब जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं।
ऐसी सिचुएशन में जो बेबी बॉर्न होगा उसके अंदर आपको जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। ह्यूमन के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रेप्लिकेशन के दौरान चेंजेस देखना काफी रेयर सी सिचुएशन होती है, लेकिन वायरसेस में ये चेंजेस देखना काफी आम बात होती है। जब कभी भी वायरसेस के अंदर ये रेप्लिकेशन के दौरान अगर माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो नई वायरस बनेगी उसे हम ओरिजिनल वायरस का स्ट्रेन बोलेंगे। लेकिन जब ये चेंज काफी मेजर हो जाती है तब ऐसी सिचुएशन में जो नई वायरस बनेगी उसे हम ओरिजिनल वायरस का वेरिएंट बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि इस तरीके की जेनेटिक म्यूटेशन लैब के अंदर भी करी जाती है? इस तरीके के म्यूटेशन साइंटिस्ट लैब के अंदर भी परफॉर्म करते हैं, जिन्हें हम जीनोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने DMH11 यानी GM मस्टर्ड को कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अलाउ कर दिया। GM मस्टर्ड एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है जो ओरिजिनल सीड के जीन को चेंज करके एक नई वेरिएंट बना ली गई है। अगर हम वायरसेस की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल निकल करके ये आता है कि वायरसेस आखिर इतना म्यूटेट करते क्यों हैं? इसका आंसर है दोस्तों, जिंदा रहने के लिए। एक इंसान की तरह वायरस भी अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन वायरस का जिंदा रहना काफी डिफिकल्ट काम होता है। रीजन बीइंग, क्योंकि वायरस ना तो जिंदा होते हैं ना तो मरे हुए होते हैं। वो जिंदा होते हैं उस समय जब वो किसी होस्ट के अंदर यानी किसी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उससे वो लाइफ डिराइव करते हैं। लेकिन अगर उस बॉडी के अंदर ही कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस या जहर हो जिससे वायरसेस मर जाए और उसको बर्दाश्त ना कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में वायरस के लिए जिंदा रहना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों वायरसेस अपने आप को म्यूटेट करना शुरू करेंगे और म्यूटेट करके वो नई वेरिएंट्स को जन्म देंगे जिस वेरिएंट पे उस टॉक्सिक सब्सटेंस का असर ना हो सके। और वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होती है किसी होस्ट के अंदर उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। इस एंटीबॉडी को अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे के वीडियो में इसका जिक्र होगा। इन 3 सालों के दौरान कोरोना वायरस के वुहान वेरिएंट ने अपने आप को काफी टाइम म्यूटेट किया है, जिसकी वजह से काफी नए वेरिएंट्स एंड सब वेरिएंट्स मार्केट में निकल करके आ गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स जो है वो है अल्फा, डेल्टा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इन कोरोना वायरस की जो डेंजरस वेरिएंट्स होती है उनका ट्रैक रखता है, और इन डेंजरस वेरिएंट्स को WHO ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरी कैटेगरी है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के कैटेगरी के अंदर उन वेरिएंट्स को डाला गया है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है और जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट किए गए हैं। एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में उन वेरिएंट को डाला गया है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा होने के साथ साथ वो वेरिएंट काफी डेडलियर भी है, प्लस इन वेरिएंट्स में वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को इवेट करने की क्षमता होती है। अगर आज की डेट की बात करें तो WHO ने टोटल 5 वेरिएंट्स को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल रखा है, बीटा, डेल्टा, गामा एंड ओमिक्रॉन। पहले WHO ने इन वेरिएंट्स का नाम कंट्री के नाम पे रखा हुआ था जहां से ये डिटेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो डेल्टा वेरिएंट है उसका नाम इंडिया के नाम पे रखा गया था और जो बीटा वेरिएंट है उसे UK वेरिएंट कहा जाने लगा। बाद में जाकर के सभी कंट्री ने हंगामा मचाया कि आप इस कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को हमारे देश के नाम पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इससे एक गलत इमेज जाता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल है वायरसेस को फैलाने में। फिर इस चीज के रिस्पॉन्स में WHO ने इन सभी वेरिएंट्स का नाम चेंज करके अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा रख दिया। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। डेल्टा वेरिएंट वो वेरिएंट है जिसकी वजह से भारत देश के अंदर 2nd कोविड का वेव देखने को मिला था, और ये वेरिएंट अब तक की सबसे ज्यादा डेडलियर वेरिएंट थी क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएंट से भारत देश के अंदर ना जाने कितनी मौतें हुई। आप इसकी सिवियरिटी का पता इस बात से लगा सकते हैं कि 2nd वेव के दौरान आपके या हमारे दूर या पास के जानने वाले में से किसी ना किसी की मृत्यु जरूर हुई है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की वजह से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो ये अब तक की सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होने वाली वेरिएंट है। बट एक अच्छी बात यह है कि ये वेरिएंट ज्यादा डेडलियर नहीं है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि इस वेरिएंट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे वैक्सीनेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेड कर सकती है। तो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि वो कौन सी वेरिएंट है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर 4th वेव आने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों वो वेरिएंट है BF7 एंड XBB। ये दोनों वेरिएंट ओमिक्रॉन की सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन में म्यूटेशन होने के बाद काफी नए वेरिएंट्स निकल करके आए जिसमें था BA1, BA2, BA4, BA5, और ये BA5 सब वेरिएंट आगे म्यूटेट हो करके BF7 को जन्म देता है। और ये BF7 वही वेरिएंट है जिसकी वजह से आज चाइना के अंदर सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट करे जा रहे हैं। और आज के डेट में लोग इतना पैनिक में क्यों हैं, उसकी असली वजह है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस चाइना के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी क्या थी।
साल 2020 के अंदर जब कोविड पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब उस कोविड को रोकने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली जिस पॉलिसी का नाम था जीरो कोविड पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर चाइना ने एक कसम खा रखी थी कि वो चाइना के अंदर एक भी कोविड केसेस होने नहीं देंगे। और इस जीरो नंबर ऑफ कोविड केसेस को अचीव करने के ऑब्सेशन की वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को काफी हार्श रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े अपने चाइना के अंदर। और ये थी चाइना की सबसे बड़ी भूल, क्योंकि वायरसेस जिस तरीके से म्यूटेट कर रहे हैं और नए वेरिएंट्स मार्केट में आ रहे हैं, ये एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है कि किसी भी कंट्री को इतनी जल्दी जीरो केसेस पे ला करके खड़ा कर देना। और दोस्तों, ये पॉलिसी इतनी स्ट्रिंजेंट थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना के अंदर उन्होंने पूरी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यहां तक कि जो लोग बाहर से इलीगली भी आना चाहते थे वियतनाम के रास्ते, वहां पे चाइनीज गवर्नमेंट ने 500 गीज डिप्लॉय किए। गीज एक बतख की तरह होती है, लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होती है कि अगर कोई भी अनवांटेड लोग या अनवांटेड स्पीसीज अगर उनकी टेरिटरी के अंदर आता है तो वह उसे काट काट करके मार डालते हैं। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने 500 गीज लगा रखा था वियतनाम के बॉर्डर पे, प्लस इसके साथ साथ 400 डॉग्स आर्मी भी डिप्लॉय कर रखी थी अलग अलग बॉर्डर एरियाज में कि कोई भी इलीगली चाइना के अंदर एंटर ना कर सके। ये तो हो गए इंटरनेशनल ट्रैवलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की बात। अगर हम चाइनीज रेसिडेंट की बात करें तो चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ही रेसिडेंट को पूरी तरह से इन 3 सालों के लिए लॉकडाउन में रखा हुआ था। और ये लॉकडाउन इतना भयावह था, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के रेसिडेंट को अपने नेबरहुड एरिया से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। प्लस इसके साथ साथ उनके घरों में एक अलार्म लगा दिया गया था कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो चाइनीज गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि कौन सा रेसिडेंट कहां से बाहर निकला है। इसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से बाहर निकलते थे, उनको एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स कोविड का टेस्ट कराना पड़ता था। और यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों को पीपीई किट पहना करके स्कूल भेजा गया। इन सभी चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर के चाइना के लोग इन 3 सालों के बाद एक ह्यूज प्रोटेस्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन 3 सालों में चाइना के लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि चाइना के लोगों ने इन 3 सालों में प्रोटेस्ट नहीं किया। आप ये देख सकते हैं कि लोग बिल्डिंगों से चिल्लाते थे, लेकिन आप जानते हैं कि चाइना एज ए कंट्री इतनी ओपन कंट्री नहीं है। वहां पे आवाज उठाने का मतलब है कि सरकार से पंगा लेना। और जब कभी भी चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लोग आवाज उठाने की कोशिश करते थे तो उन्हें उठा करके जेल के अंदर डाल दिया जाता था। दिसंबर 2022 में जब चाइना के अंदर एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिला तो फाइनली चाइनीज गवर्नमेंट ने घुटने टेक दिए और उन्होंने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को दिसंबर 2022 में पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। और आज के डेट यानी 8 जनवरी 2023 जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उस समय तक अभी रिपोर्ट आई है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको भी पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया। और जैसे ही चाइना के अंदर रिस्ट्रिक्शन हटाए गए, वहां के लोग घरों से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते के साथ ही वहां के लोग इन्फेक्टेड हो गए वायरस से। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही दिन में चाइना के अंदर इतने केसेस रिपोर्ट करे गए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या चाइना के लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि हाँ, चाइना के लोग वैक्सीनेटेड थे। यहां तक कि इन 3 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट ने सभी को वैक्सीनेट किया था। कोरोना के केसेस चाइना में होने के पीछे टोटल 3 कारण है। पहला कारण यह है कि अभी जिस वेरिएंट से चाइना के लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, वो पर्टिकुलर वेरिएंट के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जितने भी वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस है उसको बाईपास कर सकती है। दूसरा कारण ये है कि चाइना के अंदर जो वैक्सीन दिया गया है वहां के लोगों को, वो एक डेड वायरस से बनाया गया है जिसकी इफेक्टिवनेस दूसरे कंट्री के अंदर जो वैक्सीन दिए गए हैं, यहां तक कि इंडिया के अंदर जो वैक्सीन दिए गए हैं, उससे कम है। और तीसरा कारण ये है कि चाइना की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, एक नेचुरल इम्यूनिटी उनके अंदर नहीं डेवलप हुई थी, क्योंकि वो 3 सालों से घर के अंदर थे और उनको कभी भी कोविड नहीं हुआ था। आपने नोटिस किया होगा कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा था, लेकिन वहां की सरकारों ने धीरे धीरे करके रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जिससे लोग बाहर निकले और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुए कोविड से। और इन्फेक्टेड होने के बाद जो लोग बच गए उनके अंदर ऑटोमेटिकली एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। यही चीज चाइना के लोगों के अंदर नहीं हुई, जिसके कारण आज ये कोविड का वेव चाइना के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यह पर्टिकुलर वेरिएंट इतनी डेडलियर नहीं है, इस वजह से चाइना के भी अंदर जो डेथ रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो काफी कम है। अब आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, क्या इंडिया के लोगों को भी डरना चाहिए या पैनिक में रहना चाहिए? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण साइकोलॉजिकल है। देखिए,
डरना या पैनिक की सिचुएशन में आना किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। देखिए, डरना और पैनिक की सिचुएशन में आने का सबसे बड़ा कारण होता है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को जानकारी नहीं होती है असली चीज की, इस वजह से लोग ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सारी चीजों को कवर करने की कोशिश की है जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़ सके। तो आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो इंडिया के लोगों को पैनिक नहीं करने के पीछे का दूसरा कारण यह है कि इंडिया के मैक्सिमम लोगों ने अपने अंदर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। दैट मीन्स उनके अंदर एक इम्यूनिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। देखिए, इम्यूनिटी होती है प्रतिरोधक क्षमता और ये दो तरीके से डेवलप करी जाती है। पहला तरीका होता है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा तरीका होता है वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होती है। और ये डेवलप कैसे होती है, इस चीज को आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपके अंदर कोई बैक्टीरिया या पैथोजन एंटर करता है जिससे आप इन्फेक्ट हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपके ब्लड के अंदर WBC प्रेजेंट होता है और वो एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है। दैट मींस एक एंटीबॉडी बना लेता है जो उस पर्टिकुलर वायरस या पैथोजन को आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान करके रखता है कि जब कभी भी नेक्स्ट टाइम ये वायरस अगर आपके अंदर एंटर करता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो लड़ने लग जाती है उस पर्टिकुलर पैथोजन से। इस तरीके से आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करी जाती है। और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपके अंदर पहले से नहीं होती है। मान लेते हैं कि कोई नई वायरस आपके अंदर आने वाली है जो आपके लिए एक जानलेवा है, उससे पहले ही आपके अंदर उस वायरस का लाइव या डेड जो पार्ट होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे आपके अंदर एक एंटीबॉडी बन जाए और उस पर्टिकुलर वायरस को आइडेंटिफाई करके आपकी बॉडी लड़ना शुरू कर दे। इन दोनों तरीके की इम्यूनिटी में सबसे इफेक्टिव जो इम्यूनिटी होती है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इसलिए आपको हमेशा ये कहा जाता होगा कि ज्यादा अच्छे से खाइए पीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन वही है किसी भी वायरस या पैथोजन से लड़ने के लिए। अब इन 3 सालों में इंडिया के लोगों ने या तो अपने अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, क्योंकि कभी ना कभी वो किसी ना किसी कोरोना वायरस के वेरिएंट से इन्फेक्टेड जरूर हुए होंगे, और दूसरा इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। लेकिन जो वैक्सीनेशन की इफेक्टिवनेस है वो हमेशा टेम्पररी होती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रविंद्र मेहता, जो सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल के, उनके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन हमें लगाई गई है उसकी इफेक्टिवनेस मात्र 6 महीने की है। इसलिए डॉक्टर रविंद्र मेहता ने यह भी बताया है कि हर इंसान को हर 6 महीने पे कोविड का एक बूस्टर डोज लगवाना काफी जरूरी है कि वो अपने आप को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके जो नए वायरस के वेरिएंट से उनसे लड़ने के लिए। इसलिए आपको एक बूस्टर डोज दिया जा रहा है जिससे जो पुरानी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है वो वापस आपके अंदर आ जाए। इसलिए गवर्नमेंट आपको सेकंड बूस्टर डोज हर 6-6 महीने में देने का प्लान कर रही है। और तीसरा कारण आपके पैनिक में नहीं आने का यह है कि जिस तरीके से वायरसेस म्यूटेट करती है, तो वायरस म्यूटेट होने के बाद उनके अंदर जो डेडलीपन होता है वो कम हो जाता है, मतलब वो सीवियर कम हो जाते हैं, बस उनके ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे कोई ऐसे वेरिएंट भी निकल करके आ जाते हैं जो पहले वेरिएंट से काफी ज्यादा डेडलियर होते हैं। और जैसा मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है और ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है उसको इवेड कर सकती है, यानी बाईपास कर सकती है। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर साइंटिस्ट नई वैक्सीन या वैक्सीन को वापस रीडेवलप कर रहे हैं जिससे आने वाली जो नई वेरिएंट्स है उससे भी लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए साइंटिस्ट अभी बायवेलेंट वैक्सीन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। बायवेलेंट वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन होती है जो वायरस के 2 अलग-अलग वेरिएंट्स को मिक्स करके बनाया जाता है जिससे वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को काफी हद तक बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, ना तो आपको पैनिक में आने की जरूरत है ना ही आपको डरने की जरूरत है, बस आपको अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, क्योंकि वायरसेस जो हैं वो म्यूटेट करते हैं और नई वेरिएंट्स बनते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हमारी दुनिया से कभी जाएगा नहीं, बस हमारे अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होगी जिससे हम उससे लड़ सके। जैसे इससे पहले भी काफी वायरसेस इस दुनिया में है आज के डेट में, बस उससे हम लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर रहे हैं। इसलिए मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि आप अपने लाइफस्टाइल और खाने पीने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और प्रिकॉशनरी मेजर्स को हमेशा फॉलो करते रहें जिससे आप आने वाले टाइम में भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस से और भी जितने वायरसेस और बैक्टीरिया और पैथोजन हैं उनसे भी। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों और अपने सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम भी ग्रो कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।